लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो, एक नई वीडियो आप लोगों के लिए, जहाँ पर आज के इस वीडियो में जो फ़ोन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत ही ऑसम फ़ोन होने वाला है और आप सभी को ये फ़ोन पसंद आने वाला है। ये फ़ोन मई के महीने में लॉन्च हो जाएगा और जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस फ़ोन को बाय करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इस फ़ोन में आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त स्पेक्स मिल रही है और प्राइस भी आप लोगों को कम मिलने वाली है। फ़ोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश होने वाला है और चलाने में बहुत ही दमदार होने वाला है। तो अगर इस फ़ोन की बात करें तो ये आता है मोटरोला की तरफ से एज एस। जी हाँ दोस्तों, मोटरोला एज एस ये फ़ोन दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, जिसमें एक वेरिएंट आप लोगों का थोड़ा सा बजट फ्रेंडली होने वाला है और एक जो है वो थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होने वाला है। देखा अगर देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन फ्लैगशिप हैं, लेकिन दोनों ही में थोड़ा सा एक बजट लेवल का बनाया गया है और एक थोड़ा सा हाइयर बनाया गया है। अगर देखा जाए तो इस फ़ोन में आप लोगों को डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि फ्रंट में दो कैमरा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, डिस्प्ले इसमें आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। बैक से देखने में आप लोगों को ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बैक में आप लोगों को बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। दो वेरिएंट मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो वेरिएंट की बात करें तो ये जो पहला वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, इसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर 3.5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ आता है। अगर देखा जाए तो ये प्रोसेसर आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ में आप लोगों को 6GB रैम वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पर 128GB का रोम मैनेजमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दूसरा जो वेरिएंट है उसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जो परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छी पावर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें 12GB का आप लोगों को सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो ये वेरिएंट जो है वो बहुत ही हाई एंड होने वाला है, जहाँ पर जिस वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा उस वेरिएंट में आप लोगों को 6.7 इंचेस की आप लोगों को एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। ये IPS LCD आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो इस फ़ोन में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी साथ में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें IP58 की रेटिंग देखने को मिलेगी, स्प्लैश प्रूफ भी होगा पूरा ये फ़ोन, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये फ़ोन आप लोगों का फुल्ली ड्यूरेबल होगा। देखने में बैक साइड से आप लोगों को यहाँ पर और डिज़ाइन देखने को मिलती है और आप लोगों को थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ोन लगता है। जहाँ पर अगर ऊंचे वेरिएंट की बात करें, जो कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आता है, इस फ़ोन में भी आप लोगों को सेम डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 6.7 इंचेस की। उसके साथ साथ में आप लोगों को इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कैमरा परफॉर्मेंस आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि आपको और भी ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी देगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस फ़ोन में अच्छी बैटरी लाइफ भी, जैसे कि सेम उसमें मिल रही है, 5000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो ये फ़ोन जो आप लोगों का स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आ रहा है, ये 22,000 से 24,000 रुपये के करीब हो सकता है, और जो आप लोगों का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आ रहा है ये आप लोगों का हो सकता है 30,000 to 32,000 के करीब हो सकता है, या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। अभी तक ये फ़ोन जो है वो लॉन्च नहीं हुए हैं इंडिया में, लेकिन ये फ़ोन मई के महीने में लॉन्च हो सकता है। ये फ़ोन बहुत ही मुझे तगड़ा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए। ये फ़ोन बहुत ही ऑसम होने वाला है, कई सारे लोग वेट कर रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस फ़ोन का वेट कर रहे हैं, या फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पर बनानी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।